हेलो एवरीबॉडी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर 4। ये 9th क्लास का चैप्टर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और जो चीज़ें एक्सप्लेन करने, क्योंकि मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। चलिए बेटा, पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे घर को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस की, कोई भी चीज़ जो दुनिया में बनी हुई है उसको बनाने के लिए एटम्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत तरह के मैटर हैं हमारे आसपास। अब हमारे पास, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के मेटल एटम से अलग होता है? दूसरा, आर एटम्स रियली इनडिविजिबल? क्या एटम सच में इनडिविजिबल होते हैं, उनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं? जैसे कि डाल्टन ने कहा था, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, ऐसा भी हमने सुना है कि एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है? इन सब को पढ़ने के लिए, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारा थोरो स्टडी इस चीज़ की करनी पड़ेगी। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वॉज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ये बहुत समय से साइंटिस्ट के लिए चैलेंज था कि वो लोग पता लगा सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एक्चुअली एटम के बारे में है जो हमें पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी रिसर्च चलती रही। अब देखिए, चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ मैटर, मैटर में हमेशा चार्ज्ड पार्टिकल भी होते हैं। ये कैसे पता चलता है या कैसे हमें दिखाई देते हैं? चलिए, जब आप ड्राई हेयर को कॉम करते हैं तो कई बार कॉम के साथ साथ आपके बाल खींचे हुए चले जाते हैं। दैट मीन्स देर इज़ सम काइंड ऑफ चार्ज या अट्रैक्शन बिटवीन द कॉम एंड योर हेयर। तो कोई ना कोई चार्ज है उसके बीच में, और आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एंड सेम चार्जेस रिपेल। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव का तो रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव का तो वो भी रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब करते हैं और रॉड को किसी बलून के पास लाते हैं, तो फिर वो बलून अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, ये आपको देखना है। इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में रगड़ते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, उनके बीच में कोई चार्ज आ जाता है। वेयर देयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज आता कहाँ से है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई नोइंग एन एटम इज इनडिविजिबल एंड कॉन्सिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ये हमें किससे पता चल सकता है? ये पता लग सकता है कि हमें ये इस बात से पता लगता है कि एटम क्या है, डिविजिबल है और उसमें चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। इस ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें पता चलता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि हाँ, चार्ज पार्टिकल होते हैं एटम में। 1900 में लगता था एटम वॉज इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन ये भी था कि इसके अंदर वन या उससे ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था। जे जे थॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन। इससे पहले भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया था ई गोल्डस्टीन ने 1886 में, जिन्होंने न्यू रेडिएशन निकाली थी एक गैस डिस्चार्ज से, और इन न्यू रेडिएशन को उन्होंने कहा था कैनल रेज कहा था। और यहीं पर लगभग उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि नेगेटिवली चार्ज जो रेज हैं, दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ये रेज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन जो बाद में अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की उसके खोज में काम आती हैं, वो हैं कैनल रेज में मिला था पॉजिटिव कलर का पॉजिटिव पार्टिकल, जिसको कहते हैं प्रोटोन, जिसको कहा गया बाद में प्रोटोन। और प्रोटोन के डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? ई गोल्डस्टीन को। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो पार्टिकल हमें मिला पॉजिटिव, इसका और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज था, बस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज था और इसमें पॉजिटिव चार्ज था। इसका मास लगभग इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा था, उससे बहुत बड़ा था। इसको प्रोटोन कहा गया। इन जनरल इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव लिखते हैं, प्रोटोन को हम पॉजिटिव पी पॉजिटिव लिखते हैं। जब हम नेगेटिव लिखना होता है तो हम नेगेटिव लिखते हैं और पॉजिटिव लिखते हैं। द मास ऑफ अ प्रोटोन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज +1। प्रोटोन का मास होगा 1 और इसका चार्ज होगा +1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, लेकिन इसका चार्ज क्या लिखा था है -1। इट सीम दैट वन एटम वॉज कम्पोज ऑफ प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटोन्स वर इंटीरियर ऑफ द एटम एंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स कुड बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटोन्स। ये पता लगा चल चुका था कि एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटोन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटोन अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है। प्रोटोन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, नेगेटिव है। इन दोनों के चार्ज ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है प्रोटो। लेकिन एक और चीज आई कि इस तरह की स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ये जो हमने सोच लिया कि ऐसा होता है, तो फिर ये स्ट्रक्चर होती क्या है,
ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं, या क्या सिस्टम होगा, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी? इसके लिए शुरू हुआ, सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, रिवीजन करते हैं बेटा. व्हाट आर कैनाल रेस? कैनाल रेस वाज द रेस व्हिच वर स्टडीड बाय ई गोल्डस्टीन हु डिस्कवर्ड लेटर ऑन प्रोटॉन. ठीक है, अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसका चार्ज क्या होगा? इसका चार्ज क्या होगा? जीरो बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होता है -1 और प्रोटोन का होता है +1, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर बहुत सारी थ्योरीज आई. सबसे फेमस जो थ्योरी थी वो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ी भी है. उन्होंने डाल्टन ने कहा था कि एक इंडिस्ट्रक्टिबल इंडिविजुअल पार्टिकल है एटम, जिससे सारी दुनिया बनी हुई है. अब उसके बाद दो डिस्कवरी और हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जो कि एटम के इनसाइड थे. तो डाल्टन की थ्योरी लगभग फेल मानी गई, क्योंकि ये कहा गया कि अगर उसके अंदर और भी पार्टिकल है, यानी कि ये डिविजिबल है. इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. अब बात आती थी कि क्या, कैसे ये अरेंजमेंट होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन किस तरह से पोजीशनिंग होती है एटम की स्ट्रक्चर में. इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. तो जे जे थॉम्सन वो पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार एक स्ट्रक्चर को कहा कि ये स्ट्रक्चर है, कि एटम का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है. जे जे थॉम्सन का मॉडल, जे जे थॉम्सन ने जो मॉडल दिया वो सिमिलर था क्रिसमस पुडिंग के. उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ है और उसके अंदर ऐसे ऐसे स्कैटर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन. ये था जे जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट. उन्होंने कहा द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग. द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स, ड्राई फ्रूट्स होते थे स्फेरिकल पुडिंग में, और वाटरमेलन की तरह भी हम सोच सकते हैं. पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इधर उधर स्प्रेड होता है, और जो रेड पार्ट होता है एडिबल पार्ट का, और जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर जो बीज होते हैं वाटरमेलन के अंदर वो हैं. ये उन्होंने प्रपोज किया था. इसके बाद भी सेटिस्फैक्शन जब नहीं हुआ तो इसको दिखाया गया ऐसे ही. दिस वाज द स्ट्रक्चर विच ही प्रपोज. ये पॉजिटिव स्फेयर है और इसके अंदर जो छोटे छोटे हैं ये नेगेटिव स्फेयर, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये था थॉम्सन. जे जे थॉम्सन 1856 से 1940 तक जिए हैं. ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और इनके बारे में कुछ पिक्यूलियर नहीं है, हमें सिर्फ अपने थ्योरी पर ध्यान देना. अब थॉम्सन की जो थ्योरी थी, थॉम्सन की जो स्ट्रक्चर थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, वो क्या कहते थे? एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर. बीच में एक स्फेयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर धंसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. दूसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों बैलेंस करते हैं, इसलिए एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता. थॉम्सन मॉडल ने यह भी कहा, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी सी बिलो. अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे जिसको ये वाला मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. थॉम्सन का ये जो स्ट्रक्चर थॉम्सन ने दिया था, इसको ये उनको सेटिस्फाई करने में सफल नहीं होगा, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आएगा. अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, उनको पता लगाना था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. उन्होंने एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव सच एज प्रोटोन, प्रोटोन की तरह अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव होते हैं. उन्होंने गोल्ड फॉयल पर एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स भेजे. गोल्ड फॉयल ली इतनी पतली जितनी वो सोच सकते थे, मतलब कि इसमें लगभग 1000 एटम्स होंगे. उन्होंने ऐसा सोचा कि इतनी पतली फॉयल में लगभग 1000 एटम्स होंगे. अल्फा पार्टिकल डबल ई चार्ज हीलियम आयन्स थे, यानी कि पॉजिटिव आयन्स थे. दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट्स, क्योंकि हीलियम आप जानते हैं 2 4 होता है, 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 4 उसका एटॉमिक मास होता है, तो 4 यूनिट का मास था. और उस पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जिसमें काफ़ी एनर्जी होती है, उसको फायर किया गया. ये सोचा गया था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो गोल्ड एटम के सब पार्टिकल्स हैं उससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. और ये भी था कि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से हैवी हैं, तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगी, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा. अब देखते हैं हुआ क्या. जब ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था, अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, सीधे निकल गए. कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल एकदम से वापस मुड़ के चले गए. कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ सीधे चले गए. अब जो ये ऑब्जर्वेशन हुई, इसके बाद क्या देखा गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच वॉज कैरिड आउट बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उनमें फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आई. ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई. उसमें से कुछ डिफ्लेक्ट हो गए छोटे छोटे एंगल पे, वो भी ओके था. लेकिन कुछ 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड, वो बिल्कुल टकराकर एकदम वापस आए. जब ये रीबाउंड हुआ, दैट वाज इंटरेस्टिंग टू बी स्टडीड, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो इतना डिफ्लेक्ट हुए. क्योंकि हम लोग सोच रहे थे प्रोटोन इज लेस हैवियर देन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से कम चार्ज होता है और उससे कम हैवी होते हैं.
रदरफोर्ड कहते थे दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट यू. उन्होंने कहा कि अगर ये सही है कि प्रोटोन स्कैटर्ड होते हैं, प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल को अगर कंपेयर किया जाए तो प्रोटोन टिश्यू पेपर जैसा होता है और अल्फा पार्टिकल एक फायर रिवॉल्वर की गोली जैसा होता है. अगर आप इतनी अगर आप उसको टकराएं और वो वापस आ जाए तो काफ़ी सरप्राइजिंग हुआ. इसके बाद रदरफोर्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ है. चलिए अब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. अब उन्होंने क्या इसके बाद क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन की. उन्होंने बहुत बारी एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बार 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 वो चीज़ें करते रहे. अब क्या हुआ, अब उनको एक और चीज़ें समझ में आई. उन्होंने कहा कि ओपन फील्ड में एक एक्टिविटी की उन्होंने उन्हें कहा एक बच्चे को कि वो दीवार के सामने खड़ा हो जाए और आंखें बंद कर ले और बार बार दीवार पर पत्थर फेंके. जब वो पत्थर दीवार पर लगेगा तो कोई आवाज़ आएगी और अगर 10 बार वो लगता है तो उसको आवाज़ भी 10 बार सुनाई देगी. लेकिन अगर अंधे बच्चे को उस पर फायर उस फेंस पर पत्थर फेंकने के लिए भेज दिया जाए तो सम ऑफ द स्टोन्स वुड हिट, कुछ तो फेंस में लगेंगे, कुछ की आवाज़ कुछ पार निकल जाएंगे, जिसकी जो पार निकल जाएंगे उसकी आवाज़ नहीं आएगी. तो इसका मतलब वहाँ पर फेंस में बहुत सारे गैप्स थे और जो कि अलाउ कर रहे थे उन स्टोन्स को पास करने के लिए. इस वाली सिमिलर रीजनिंग के साथ रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया. उन्होंने कहा जितना भी स्पेस है इनसाइड द एटम वो खाली है क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, सीधे सीधे निकल गए. कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज जो था प्रोटोन का उससे टकराए होंगे और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए होंगे. बहुत कम फ्रैक्शन जो अल्फा पार्टिकल का था जो रीबाउंड हुआ था, रीबाउंड मतलब बिल्कुल वापस आ गया था, ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ गया था, उसमें इसका मतलब है कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई मास है गोल्ड एटम में जो एक जगह पर थोड़ी सी जगह पर किसी एटम का पार्ट बना हुआ है. यहां पर उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन दी. उन्होंने कहा जो ये मास जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पर जहाँ पर ये मास इकट्ठा हो रखा है उसकी रेडियस, वो जो अंदर सेंटर मान लो या कोई भी चीज़ मान लो उसके अंदर जो जगह है या वो जो स्पेस है दैट इज़ वो जो पूरे एटम का है उसका 10^5 यानी कि लगभग 100,000 टाइम्स है. यानी कि अगर ये 100,000 है तो ये 1 पार्ट है जिसमें ये कॉन्सेंट्रेटेड मास है, ऐसा उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताया. इस एक्सपेरिमेंट पर 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम के अंदर जिसको शायद न्यूक्लियस कहा जाता है या फिर जिसका नाम न्यूक्लियस रखा जाएगा. ज़्यादातर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस न्यूक्लियस इटसेल्फ, बाकी बाहर कोई मास नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये जो पॉजिटिव स्फेयर है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और जो ये न्यूक्लियस है इसका साइज काफ़ी स्मॉल है, ऑलमोस्ट 100,000 टाइम्स है पूरे एटम से घटकर, मतलब इन केस इट्स वन इट्स द साइज ऑफ द एटम इज 100,000. अब रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी. इसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई. क्या क्लियर नहीं हुआ, द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. उन्होंने कहा जो ये ऑर्बिट है जिसमें चारों तरफ हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, क्या ये स्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ही पाथ में घूमेंगे. यानी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, अगर कोई भी चीज़ चारों तरफ घूमती है तो वो एक एक्सेलरेशन में होती है, उसकी एक स्पीड होती है. ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी. अगर कोई भी चीज़ कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर स्पीड में है अगर एक्सेलरेशन में है तो उसमें से कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर रिलीज होती होगी. अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आकर वो आकर कहाँ मिल जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा. एनी चार्ज पार्टिकल विच इज़ लूजिंग एनर्जी ड्यू टू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्यों हो रहा है बेटा, ड्यू टू रोटेशन. आप कोई भी चीज़ में घूम रहे हो गोल 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 तो आपको एक्सलरेशन होगा. अगर आपका एक्सलरेशन है और आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ आपकी एनर्जी कम होती जाएगी और आप धीरे धीरे क्या होगा, आप जाकर न्यूक्लियस से टकरा जाओगे. लेकिन क्या ऐसा है, क्या ऐसा होता है नॉर्मली, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता क्योंकि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटम्स ऐसा कुछ नहीं होता कि थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाते हैं या फिर न्यूक्लियस से टकरा जाता है इलेक्ट्रॉन, काफ़ी स्टेबल होते हैं. तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गई. अब हम आते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इसको सोचने की ज़रूरत पड़ी.
ये जो ऑब्जेक्शन आया रदरफोर्ड के मॉडल में, इसके लिए नील बोहर ने एक और एटम मॉडल ऑफ एटम बनाया. उन्होंने कहा ओनली स्पेशल सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. एटम के अंदर कुछ ही ऑर्बिट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशनिंग होती है. दूसरा, अगर वो अलग अलग उसमें घूम रहे हैं तो वो क्या करते हैं, दे डू नॉट रिलीज या रेडिएट एनर्जी. जब वो घूम रहे हैं तो वो किसी भी तरह की एनर्जी बाहर नहीं दे रहे हैं. ये कहा बोहर ने, टू ओवरकम द वो मेटल एटम द एटम, जो शॉर्ट कमिंग्स बताई गई थी रदरफोर्ड के एटम में. अब ये जो एनर्जी शेल्स हैं या फिर एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, इनको एनर्जी लेवल्स कहा गया. एनर्जी लेवल्स के नाम रखे गए, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहा गया, एनर्जी लेवल्स के नाम रखे गए के एल एम एन. K is first, L second, M third and N fourth. इनको 1, 2, 3, 4 भी कहा गया. अब आते हैं न्यूट्रॉन्स पर. अब तक न्यूट्रॉन्स का कोई जिक्र नहीं हो रहा था बेटा, अभी तक सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की ही बात चल रही थी. 1932 आ जाता है, नील्स बोहर का एक्सपेरिमेंट. आप देख लीजिए कब हुआ है. नील्स बोहर ने लगभग 1920 या 21 के आसपास इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. 1922 में शायद उन्होंने स्ट्रक्चर दे दी थी. अब आते हैं न्यूट्रॉन पर. 1932 में जाकर जे कैडविक ने डिस्कवर किया कि एक और पार्टिकल है जिसके ऊपर ना कोई चार्ज है और लेकिन उसके अंदर कोई मास है, और वो मास लगभग प्रोटॉन जितना ही है जितना प्रोटॉन में मास होता है. इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया. न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन सारे सब्सटेंसेस में है एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज 1, 1. अगर आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, नहीं एटॉमिक मास 2 होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं और मास ऑफ द एटम इज किससे देते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट स्लाइड.